अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आज आप मौजूद हैं गुलस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के सामने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बेहतरीन एहतमाम किया गया यहाँ पे। ये क्योर पाकिस्तान वेलफेयर की तरफ से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इसके साथ ही नौमान रईस जो कि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो हमारे साथ रहेगा, हम इस प्रोग्राम को पूरा आपको दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, ये क्योर पाकिस्तान की तरफ से इनके नुमाइंदे हैं, तो ये हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चल भाई ये बताएं कि ये प्रोग्राम आप कब से, आपने ये प्रोग्राम चला रहे हैं, कब से रन कर रहे हैं इसको? ये तकरीबन पिछले 8 साल से हम इसी जगह पे क्योर पाकिस्तान की तरफ से तारी लगाते हैं, ठीक है, और इसमें प्लेटें बना के बकायदा दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती है। इसके अलावा जो शरबत होते हैं यहाँ पे रोज़ेदारों के लिए, और इसके अलावा ये है कि प्योर पाकिस्तान वेलफेयर सीरत अब्बास जदी होते ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ से चलाते हैं, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे दूसरे भी इवेंट है, इसके अलावा एक हमारा मेगा इवेंट होता है, ठीक है, जो मॉल ऑफ इस्माइल के नाम से होता है, उसमें यतीम बच्चों को शॉपिंग मॉल बना के शॉपिंग करवाते हैं। सही है। इसके अलावा रमज़ान में राशन का चलता रहता है, फिर आटे का बुरहान हुआ था तो हमने तकरीबन 20,000 के करीब लोगों को आटा फराम किया था, ठीक है। जो डोनेशन का क्या तरीकेकार है, आप लोगों को डोनेट करना चाहें उसका क्या तरीकेकार है वो भी बता दें, प्लस हमें ये बता दें कि ये पूरा 300 दिन आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, या मतलब ऑल्टरनेट डेज में कर रहे हैं? नहीं, ये पूरे पहले रोज से लेकर 30 रोज तक चलता रहेगा। अच्छा, मतलब ये कराची से नहीं है, यहाँ से नहीं, यहाँ से इतना नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं हमारे सिरदार पास मानी जो है इसके, वो वहीं से सारा कलेक्शन करके वहीं पे सारे इंतजाम। पाकिस्तान से आपको डोनेट करना चाहिए तो उसके लिए फिलहाल आप लोगों को कोई नहीं रखा, फिर वो हमारे पेज पे बाकी डिटेल दी हुई है, वहाँ से कर सकते हैं आप। नाम क्या है पेज का भी बता दें? प्योर पाकिस्तान वेलफेयर। क्या? प्योर पाकिस्तान वेलफेयर। प्योर पाकिस्तान। जी जी, ठीक है। तो अभी क्या दिखा रहे हैं हमें बिलाल भाई? अभी आप देखें माशाल्लाह, ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंतजाम किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से देख जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा रश लगा हुआ है। खाली ये इसमें ये जूस और जूसेज वगैरह समोसे हैं, या इसके अलावा बिरयानी वगैरह भी होती है? बिरयानी वगैरह भी होती है, लेकिन अलग अलग दिन, अभी 3-4 दिन पहले बिरयानी भी थी। अच्छा, आज के दिन ये, आज के दिन ये मेन्यू है, मुख्तलिफ मेन्यू चलता रहता है इस तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आगे चल के देखते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, जैसे जैसे भी शरबत का यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है, ठीक है, ये अफ्तारी के लिए पैकेट बनाया गया। हाँ दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं नौमान रईस के दस्तरखान पे, तो मिसबा भाई हमें मजीद गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मिसबा भाई थोड़ा सा टाइम बहुत कम है, और हमें ये थोड़ा बताएं कि कब से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया आप लोगों? अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोविड के बाद से जो सिचुएशन आई थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्प आउट करना लोगों की शुरू की थी, उसके बाद से दस्तरखान चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलता रहेगा। ये पूरे 30 दिन चलते रहते हैं? बिल्कुल, रमजान पूरा 30 दिन चलता है। ठीक है, और मेन्यू में डिफरेंट चलते रहे? बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे आप लोग घर में डिफरेंट खाते हैं हम लोग डिफरेंट खाते हैं, इफ्तार पार्टियाँ होती हैं, उसी तरह ये सब कुछ होता है। हमारे डोनर्स खुद कहते हैं, उनकी फरमाइश होती है कि आज आप ये खिलाएं, जिस तरह आज देखिए हमारे डोनर की फरमाइश थी कि आप बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी दोनों रखें, तो हमने वो रखी है। इस तरह हमारा मेन्यू चेंज होता रहता है। अगर आप पहले की हिस्ट्री में जाएं तो हम लोगों ने मंदी भी करी है, चिकन टिक्के भी किए हैं, लाइव कढ़ाई भी करी है, चाइनीज भी करा है, सारी चीज़ें करी है। अभी फिलहाल आप लोग अफ्तारी कर रहे हैं या सहरी का भी कोई एहतमाम कर रहे हैं? नहीं, सहरी हम पहले करते थे, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते थे हमें रात में डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि हम सब जॉब वाले लड़के हैं, हमें सुबह जॉब पर भी जाना होता है, तो उसको हमने वाइंड अप करके फिर सिर्फ इफ्तारी पर और राशन पर फोकस किया हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जो सब जैसे कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पे चिकन और बीफ बिरयानी का भी एहतमाम किया हुआ है साथ अफ्तारी के साथ साथ, तो जैसे देख सकते हैं आप नौमान रईस फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये फेमस क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और चल के आगे चलते हैं, टाइम कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों रश लगा हुआ है यहाँ पर, तो आगे मज़ीद चल के आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।